लग गया कि हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे ना, तो वीडियो को बना रहे हो। करीब 29 फ्लोर है, 29 फ्लोर्स हैं यहाँ। तो ये है अपना डिनर बाग। क्रिकेट टीम यू लाइक? ये लो भाई, अपना जो फर्स्ट एसी होता है वैसे इनका फर्स्ट क्लास है। बट तो अभी शाम का बज रहा है 7:55 और अभी हम खड़े हुए हैं कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन पे। और आज अपनी जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने वाली है कोलंबो फोर्ट टू बाडुल्ला नाइट मेल में। श्रीलंकन रेलवेज की ओवरनाइट ट्रेन में आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं। ये ट्रेन कवर करती है 292 किलोमीटर ऑलमोस्ट 11 घंटे के समय में। और श्रीलंकन रेलवेज में ये मेन लाइन पे चलने वाली ट्रेन है। और पता है आपको, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इस ट्रेन में हम ऑलरेडी जर्नी कर चुके थे, पूरा ट्रैवल किया था कोलंबो फोर्ट टू बाडुल्ला, बट गलती से वो वीडियो डिलीट हो गया। इस वजह से आज हमको दोबारा से इस ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ रहा है। भाई बहुत बड़ी गलती वो थी, और एक और गलती हो गई हमसे, वो हम आपको आगे जर्नी में बताएंगे। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। भाई रेलवे स्टेशन के अंदर आ गए और ये रहा काउंटर सेकंड क्लास का, यहाँ से ले लिया ये सेकंड क्लास का टिकट हम लोगों ने ओवरनाइट मेल के लिए। अब चल रहे हैं यहाँ से अंदर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के। ये देखो सामने वो खड़ी हुई है अपनी ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर। चलो फटाफट चलते हैं। बढ़िया वाह, ये देखो इधर लिखा एंट्रेंस ओनली। और अभी यहाँ पर आप देखोगे तो फेस्टिवल है, इस वजह से पूरा जो है सेकंड क्लास नाइट मेल पेंद्रिया। दिस कोच इन फ्रंट, which coach? This friend. भाई ये रही ट्रेन। और अभी यहाँ पर कुछ फेस्टिवल वगैरह चल रहा है, इस वजह से यहाँ पर देखो कुछ सजावट आपको देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशन पे। चलो फटाफट चलते हैं भाई, यहाँ पर सीट देखनी होगी क्योंकि पूरा जनरल कोच का सिस्टम है यहाँ पर। तो भाई अभी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, ये रही अपनी ट्रेन। जब अपन प्लेटफॉर्म पे आए तो हमने देखा कि ऑलरेडी अपनी ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। और अभी क्या हुआ ना कि हम अपना लगेज वगैरह रख के आ गए बाहर की साइड, हमको थोड़ा वीडियो शूट करना था। तो उसके बाद हमारा बैग रखा हुआ था सीट पर, ठीक है, क्योंकि ये है सेकंड क्लास, ठीक है। इसमें हमने अभी सेकंड क्लास का मतलब जनरल टिकट ही मान लो लिया है, क्योंकि ये जनरल कोच ही है एक तरह से सेकंड क्लास का, तो जनरल टिकट लिया है। तो जो लोग पहले पहुंच जाएंगे, जो मतलब सीट घेर लेंगे, ऐसा अपना जनरल कोच होता है वैसे ये कोच है। तो हमने अपना बैग रख के आ गए बाहर कि भाई अपनी सीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आके वीडियो बनाने लगे, अंदर गए तो भाई साहब हमारा बैग उठा के ऊपर रख दिया और दूसरे लोग हमारे सीट पर बैठ गए। अब वो हटने का नाम नहीं ले रहा यार, बताओ यार। तो वही अभी अंदर जाते हैं कोच में और बात करते हैं, देते हैं सीट के नहीं देते हैं हमारी, नहीं तो फिर और किसी टिकट चेकर वगैरह जो भी यहाँ के TT वगैरह होंगे उनको कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो गलत बात है यार, हम बैग रख के चले गए, तुमने बैग हटा दिया, ऊपर से अब सीट भी नहीं दे रहे यार। हमारा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमने रिजर्वेशन भी किया था इस ट्रेन में लेकिन वो गड़बड़ हो गया, वो भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। फिलहाल तो ये मैटर हो गया अलग। तो भाई चलो चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं। तो ये भी आ गए कोच में अपने, देखते हैं बातचीत करके देते कि नहीं। आई डिडंट फाइंड टिकट चेकर, I put my bag here. You guys take. When we come here, the ticket put the bag there and he went. So this is not a booking thing. Yes, this is not. Yeah. So this is not. We can't fight with checker, right? The people with the uniform. Okay. Please listen. Listen to me. There is no booking in this coach, right? Yeah, right. So I put my bag because that's actual. We don't know. Really, we don't know. So that's wrong, you don't no, know. No, we don't know. Now you know. We don't know yet. Right now you know that I put my bag I here. I don't know yet. Why ye log to matlab sun rahe hain jabki humne inse pucha tha, you know na my bag was there. I don't want to check. Inko pata hai bhai. Okay, so where can I find the checker? Where? You know where is checker right now? Ask anybody here what checker come and told. No, you know where is checker right now? भाई देख लिया, ये सिस्टम है, सीटी देने को तैयार नहीं है, बैठ गए हैं, हट ही नहीं रहे। अब कह रहे जो टीटी था उसने दी है सीट, चलो देखते हैं आगे। तो भाई ये हैं इस ट्रेन के टिकट चेकर, इनसे बात हुई है, इनको सारी चीज़ें समझाई हैं। अब देखते हैं ये क्या करते, कह रहे उधर आगे को चलो, उधर भी कोई है उनसे और बात करेंगे, उसके बाद मैटर सुलझाएंगे। भाई ये आए अभी टिकट चेकर, इनके समझा रहे। Yes, that was my seat. Which seat?
Yes, my bag was here. Yes, yes. He's pregnant, boy, pregnant lady. Yes. But me, this is not me. Lanka, I came here. India. Matya, I am here. Video card. Yes, yes. You can't be video. तो भाई ticket checker को लेके गए और अब जाके matter पूरा sort हुआ है. अब वो जो passengers वगैरह थे ना, तो उनको क्या लग गया कि हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे ना, तो वीडियो को बना रहे हो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी. तो वो भी फिर एडजस्ट करने को तैयार नहीं थी. अभी टिकट चेकर गया तो थोड़ी बातचीत हुई, और हाँ उस टाइम में वीडियो बना रहे थे तो बोले टिकट चेकर के नहीं आप ऐसी वीडियो नहीं बना सकते, तो ये अलाउ नहीं है ये वो. हमने चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है. तो अब जाके वही जिन लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, मतलब बहस हो रही थी, बातचीत थी उस टाइम तो बहस ही हो रही थी, तो उनसे हो रही थी, तो वही अब रेडी है. कह रहे ठीक है आप ये वाली सीट ले लो, बीच बीच में बैठते रहेंगे हमने. ठीक है थोड़ा आप बैठ जाना, थोड़ा हम बैठ जाएंगे, और क्या. अब इसी तरीके से बातचीत चल रही है, यही है भाई. लेकिन हमको यार गुस्सा आ गया ना, क्योंकि इससे पहले जो पिछला आपने वीडियो देखा होगा उसमें हम लोग एला से यहाँ तक करीब 11-12 घंटे की जर्नी करके आए थे, जिसमें हम लोगों को सीट नहीं मिली थी. वो वीडियो हमने आपको दिखाया था कैंडी तक भी सीट नहीं मिली थी. उसके बाद पूरी जर्नी की थी हमने कोलंबो तक, तो भाई हमको सीट नहीं मिली थी, इसलिए हमारा मूड वो था कि यार हमने सीट नहीं मिलेगी, फिर खड़े खड़े फिर जर्नी करो रात भर की, तो इसलिए हम थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो गए. तो वो लाइक यू आर सो एग्रेसिव दैट टाइम, हमने हाँ वो हो गया था, हमने चलो सॉरी उसके लिए. लेकिन आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो थोड़ी बातचीत होगी. ठीक है यार अब सॉर्टेड है. वैसे लोग अच्छे हैं श्रीलंका के, इसमें कोई डाउट नहीं. अभी तक 5-7 दिन हो गए हमको यहाँ पर, लोग अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं. तो ना अब ठीक है कुछ नहीं. और दिक्कत हम आपको अभी बता देते क्या हुआ है, कि जब हमने इस ट्रेन का टिकट दोबारा से बुक किया, पहला वाला कॉन्टेंट तो पूरा ही चला गया, उसके बाद दोबारा से जब हमने इस ट्रेन का टिकट बुक किया ना, तो उस टाइम क्या हुआ कि गलती से हमने दूसरी डेट का बुक कर दिया टिकट. मतलब मंथ की जो डेट थी ना, मंथ और डेट में कन्फ्यूजन हो गया. वहाँ हमने सोचा आज ही का है, हमने बात सीट भी मिल गई सेकंड क्लास में, तो हमने बुक कर दिया, और वो टिकट था आगे की डेट्स का. तो अब क्या कर सकते थे, फिर उसको कैंसिल करा के रिफंड लिया. ठीक है उसके अब जाके जनरल टिकट लिया इस ट्रेन का, और ओवरनाइट जर्नी करने वाले हैं अपन लोग इस ट्रेन में. आई वॉन्ट 1 लीटर वाटर बॉटल 1 लीटर 1.5 लीटर ऑल्सो ओके 1.5 गिव मी. तो भाई 1.5 लीटर की पानी की बॉटल ले लेते हैं यहाँ पर. सो हाउ मच इज कॉस्ट 200 ओके. तो ₹200 में अपन को 1.5 लीटर पानी की बॉटल मिल जाएगी. और एंड व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 1 लीटर 1 लीटर प्राइस 160 1 लीटर की बोतल जो है वो ₹160 की है लंकन रुपीस, और जो 1.5 लीटर की है वो 200 लंकन रुपीस की है. भाई अभी चल रहा है यहाँ पर वैसाक फेस्टिवल, तो उसी वजह से ये देखो वैसाक फेस्टिवल अभी हमको पता लगा है. वैसाक फेस्टिवल चल रहा है इसी वजह से, 2 दिन का ये फेस्टिवल होता है श्रीलंका में साल में एक बार, तो उसी की वजह से ये लाइट्स लगाई गई हैं. ये अपनी ट्रेन है, और यहाँ पर स्टेशन पे देखो और भी सजावटें वगैरह की हुई हैं ये देखो यहाँ पर. तो अपने बिल्कुल निर्धारित समय 8:30 पर अपना डिपार्चर हो चुका है कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से. और इस रेलवे स्टेशन पे देखो फ्लैग्स वगैरह भी काफी सारे लगे हुए हैं. अपनी ट्रेन निकल चुकी है कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से. अब आपको एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम कोलंबो में, जो बना हुआ एक टावर है, और रात के टाइम तो भाई साहब वो और ज्यादा खूबसूरत लगता है. तो भाई ये चल रही है अपनी ट्रेन, और ये देखो ये रहा वो टावर, ये है लोटस टावर जो कि कोलंबो में बना हुआ है, और साउथ ईस्ट एशिया का ये सबसे लंबा टावर है, सबसे ऊंचा 1050 फीट इसकी ऊंचाई है, और करीब 29 फ्लोर है, 29 फ्लोर्स है यहाँ पर. बहुत तगड़ी भाई लाइटिंग वगैरह मिलती है आपको यहाँ पर रात के टाइम इस टावर पे, और बिल्कुल जस्ट ट्रैक्स जो है ना इसके बगल से गए हैं. जब आप रात में या दिन में इधर से निकलते हो तो आपको इसका व्यू देखने को मिलता है. तो ये है भाई अपना सेकंड क्लास का कोच, ये एम रिजर्वेशन वाला कोच है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता. एक और सेकंड क्लास रहता है इसमें श्रीलंकन रेलवेज में, जहाँ पर रिजर्वेशन होता है ऑनलाइन वगैरह, या फिर रिजर्वेशन पहले से लोग काउंटर से करवाते हैं. लेकिन सेकंड क्लास ये वो है जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है. 2x2 की यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, और हाफ कंपार्टमेंट में 3 यहाँ पंखे लगे हुए हैं जो कि 360 घूमते रहते हैं. ऊपर लगेज स्पेस है, और फैन की स्विचेस हैं, ओपनिंग विंडोज हैं, यहाँ पर खोल सकते हो, सीट्स भी एडजस्ट हो सकती हैं आगे पीछे. लेकिन यहाँ पर आपको चार्जिंग सॉकेट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इस कोच में चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलेगा. तो भाई अभी अपनी ट्रेन क्रॉस करने वाली है कैलोनिया रिवर पे बने हुए ब्रिज को. ये आ गया है, ये देखो. सामने वो रही रिवर,
भाई ये जो सीट्स है ना ये एडजस्टेबल है, यहाँ पर लीवर है नीचे, जैसे अपनी ट्रेन्स में रहता है चेयर कार में, देखो यहाँ पर लीवर हम प्रेस करेंगे और ऐसे इतना जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे बैठ के ओवरनाइट जर्नी लोग करते हैं इस ट्रेन में बैठे बैठे, ठीक है। ये लोग वापस आ गए, तो ये है इस ट्रेन की सीट्स, एडजस्टेबल तो है। तो ये देखो भाई पैरेलल चल रहा है श्रीलंकन रेलवे की नाइट ट्रेन में, देखो भाई साहब दोनों ट्रेन्स पैरेलल पैरेलल चल रही हैं। हेलो ब्रो, यस आई अंडरस्टैंड भाई, यहाँ पे साथ वाले पैसेंजर हैं, वो कह रहे हैं फोन थोड़ा दूर रखना नहीं तो बगल वाली ट्रेन वाला कोई हाथ मार दे या फिर ले जाए, कैसे भी लोग कहीं भी मिल सकते हैं ना, बात सही है। चलो अब तो ट्रेन थोड़ी दूर दूर चलने लगी है, तो DMU टाइप ट्रेन है ये, देखो इनका ये लोकोमोटिव साइड दूसरा, तो ये पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे रागमा जंक्शन पर, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र एक मिनट का, वन मिनट स्टॉप। ओके सो ही इज द मैन ट्रैवलिंग विद अस, यू आर फ्रॉम श्रीलंका, यस। सो यू लाइक दिस ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन, यू लाइक? ओके सो ही इज डीबोर्डिंग हियर, ओके सो सी यू, टाटा बाय बाय, यस। चलो बस एक मिनट का होल्ड था, ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये लो भाई यहाँ से भी डिपार्चर हो गया, और स्टेशन पे देख रहे हो लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, झालर लगी हुई हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है इस वजह से। तो अभी आके बैठे हुए हैं वापस अपनी सीट पर, और बाकी खाना वाना हम तो डिनर जो है ना वो साथ में ही लेकर आए थे, क्योंकि 8:30 बजे का ट्रेन का टाइम था, उतनी जल्दी हमें भूख लगी नहीं, तो हमने सोचा चलो पैक करा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में तो बस आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाने को मिल जाएगा, जैसे कि वड़ा वगैरह हो गया, प्याज वड़ा वगैरह हो गया ना, वो तो मिल जाएगा ट्रेन में खाने के लिए, और उससे पेट तो भरेगा नहीं। खैर अभी आएगा तो हम दिखा देंगे आपको कि क्या क्या ट्रेन में सेल होता है इस ओवरनाइट ट्रेन में, ठीक है। बाकी चलो जो हम खाना लाए हैं वो दिखाते हैं आपको क्या लाए हैं, और फिर डिनर करते हैं। तो ये रहा डिनर में जो हम लेके आए थे, एक तो ये है चपाती, दो चपाती, इसके बीच में ये आलू है, साथ में इसकी चटनी सांभर है, और एक अपना ये मेदू वड़ा, एक ये बोंडा, ये लोग इधर कहते हैं बोंडा इसको, ये बेसन का है, और इसमें वाला अपने यहाँ का आलू वड़ा जो होता है वही, और उसके भी साथ में चटनी है। तो ये है अपना डिनर। बाकी यहाँ बगल में जो भाई बैठा था ना वो हट गया, वो खुद ही बोले 2-3 बार बोले कि हम हट जाते हैं, आप इधर अपना रख के खाना आराम से खा लो। भाई चलो अब हम खाना खाते हैं, टेस्ट आपको फिर बताते हैं। तो चलो भाई टेस्ट किया जाए, सबसे पहले ये जो चपाती है इसके संग जो आलू दिया हुआ है इसको, इसका टेस्ट कैसा है? सही है टेस्ट भाई, बढ़िया है इसका। अब टेस्ट करते हैं अपना मेदू वड़ा। आप दिक्कत ये है ना कि सांभर वगैरह जो है ना इसके संग, दाल वाला सांभर है वो कहीं निकाल नहीं सकते, तो अब चटनी जो है चटनी के संग खाना होगा। हरी चटनी के संग खा रहे हैं, सही है टेस्ट। हरी चटनी मतलब यहाँ की ऐसी है कि उसमें नारियल भी रहता है, हरी मिर्ची वगैरह पिसी हुई, तो ऐसी हरी चटनी हो जाती है, सही है इसका टेस्ट भी। अब देखते हैं अपना आलू पकौड़ा यहाँ का कैसा है, श्रीलंका का। काफ़ी सॉफ्ट है, और अंदर देखो इसके आलू की तगड़ी फीलिंग है, लेकिन हल्का सा थोड़ा ये स्पाइसी है, इसमें थोड़ी लाल मिर्च वगैरह ज़्यादा डली है। चलो सही है, बाकी डिनर करते हैं फटाफट, फिर आगे आपको चीज़ें और भी दिखानी है काफ़ी सारी इस ट्रेन के बारे में। तो भाई अभी डिनर तो हो गया है अपना, और बस बैठे हुए हैं, और ये रहा भाई जिससे वो हम अभी खाना खाना था ना, तो उठ गए थे अपने आप ही कि बोले कि हम उठ जाते हैं आप यहाँ रख के खा लो। सो ही इज़ अ गुड मैन, वेरी गुड मैन, ही गिव मी द सीट फॉर माय डिनर। ओके सो व्हाट इज़ योर गुड नेम ब्रो? शशांक, 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 ईशान, ओके ईशान, ईशान, ओके ईशान, राइट, ओके सो इज़ वेरी गुड मैन। मतलब देखा कि हम खाना खा रहे हैं तो अपने आप ही, थैंक यू फॉर दैट। ओके सो आई एम आस्किंग, एवर यू विजिटेड इंडिया? नेवर, नो, ओके ओके सो व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया, एनी थॉट इन योर माइंड?
Cricket team you like? Okay. And I like one bowler from Sri Lanka, that Malinga. Malinga is my school. Yes. Your school? Oh wow. मतलब जो मलिंगा लासित मलिंगा है ना वो इनके स्कूल के थे मतलब जिस स्कूल में आप इन विच स्कूल यू स्टडी दैट मलिंगा स्टडी ओके ओके सही है यार व्हाट इज द स्कूल नेम ओ दिस इज बाय द ये इनका कॉलेज का हैंड बैंड यस विद्या लोक कॉलेज ये है कॉलेज योर कॉलेज दिस कॉलेज ओके सो यू आर राइट नाउ इन कॉलेज सही है भाई तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग कोलगा वेला जंक्शन और इस रेलवे स्टेशन पे वैसे तीन लाइन सागर मिलती है एक आती है कोलंबो से इससे भी अपन लोग आ रहे हैं एक जाती है माहो जंक्शन के लिए और एक जाती है कैंडी के लिए जिसपे अभी अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पर नाइट मेल का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट है और हम देख रहे हैं आगे की साइड ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है लो चल भी गई सेकेंड क्लास में तो अपन लोग ट्रैवल कर ही रहे हैं चलिए अब आपको दिखा देते हैं थर्ड क्लास का भी क्या हाल है इस नाइट मेल का ऐसे जस्ट अपने बगल वाला जो कोच है ना वो थर्ड क्लास का है और थर्ड क्लास में भी यहाँ पर श्रीलंकन रेलवे में ये सीन चलता है सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में कि रिजर्वेशन वाले कोचेस अलग होंगे और अनरिजर्वेशन बिना रिजर्वेशन वाले कोचेस अलग होंगे सेकेंड और थर्ड क्लास दोनों ही ये सिस्टम चलता है चलो वो आपको दिखा देते हैं थर्ड क्लास कैसा है बिना रिजर्वेशन वाला तो ये अपनी अपन लोगों का सेकेंड क्लास जिसमें हम हैं और ये देखो बीच का गैंगवे और उस साइड है थर्ड क्लास और यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत तगड़ी है ये देखो जब ट्रेन ट्रैक वगैरह चेंज करती है ना तगड़ा तो बहुत ज्यादा रहता है और ये देखो थर्ड क्लास में यहाँ 3 लिखा हुआ है ये देखो ऊपर जो है ना 3 लिखा हुआ है और ये है भाई लोग थर्ड क्लास का इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं तो यहाँ पर एक अंकल है बता रहे हैं इस साइड है 2 लोग बैठ सकते हैं इधर 3 मतलब 3 2 by 3 का जो है यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है थर्ड क्लास पे और वहाँ लिखा हुआ है 3 तो ये है थर्ड क्लास एंड ये है अपना सेकेंड क्लास तो ये आ चुके हैं अभी हम लोग राम बुकाना रेलवे स्टेशन और यहाँ पर वैसे अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का ही हॉल्ट है लेकिन यहाँ पर अपनी नाइट मेल में अभी अटैच किया जाएगा बैंकर लोकोमोटिव चलिए बस लोकोमोटिव आ रहा है पीछे की साइड से आपको दिखाते हैं कौन सा लोकोमोटिव इसमें अटैच किया जाने वाला है वैसे हम आपको पहले ही बता देते हैं इसमें क्लास M5 का लोकोमोटिव जो है अटैच किया जाएगा M5 है यानी M6 है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी आएगा तो दिखाते हैं आपको बस तो ये है राम बुकाना रेलवे स्टेशन ये रही अपनी ट्रेन ये अपनी ट्रेन के गार्ड साहब श्रीलंका में अभी भी गार्ड को गाड़ी कहा जाता है जबकि इंडिया में तो आपको पता है ना ट्रेन मैनेजर कहने लगे हैं जो ट्रेन के गार्ड होते हैं उनको और ये आ गया अपना लोकोमोटिव काफ़ी पुराना लग रहा है भाई ये लोकोमोटिव तो लेट्स सी कौन सा लोकोमोटिव होने वाला है ये ये लो भाई हो गई अपनी कपलिंग तो ये लो भाई कपलिंग हो गई और ये जो लोकोमोटिव है ये M5 लोकोमोटिव है कपलिंग तो हमने आपको दिखा दी अब रेलवे स्टेशन देख लो जरा क्या भाई क्या खूबसूरत लग रहा है क्या लुक है रेलवे स्टेशन का पूरा सजा हुआ है बढ़िया क्योंकि यहाँ पर अभी फेस्टिवल है वैसाख फेस्टिवल इस वजह से पूरा सजाया हुआ है रेलवे स्टेशन को चलो अब लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई 5 मिनट हो गए अब टाइम है यहाँ से निकलने का तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है राम बुकाना रेलवे स्टेशन से और आपको पता है बैंकर लोकोमोटिव क्यों लगाया गया है अपनी ट्रेन में क्योंकि यहाँ से पूरा घाट सेक्शन स्टार्ट होने वाला है ठीक है और काफी ऊंची चढ़ाई वगैरह है इसीलिए यहाँ पर बैंकर लोकोमोटिव
लगाया गया। अभी कुछ टनल से भी होती हुई अपनी ट्रेन निकलेगी। रात का व्यू हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं कि जब इससे पहले हमने पिछली बार इस ट्रेन में सेम ट्रेन में हमने ट्रैवल किया था इस नाइट मेल में, तो हमने उसमें किया था फर्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्लास की हमने इंस्टाग्राम पर रील भी अपलोड की थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छी भी लगी थी वो रील, ठीक है। तो वही रील का मतलब वही वीडियो है हमारे पास इतने टाइम फर्स्ट क्लास का, जिससे हम आपको फर्स्ट क्लास का इंटीरियर दिखा सकते हैं। सेकंड और थर्ड क्लास का तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए अभी फिलहाल हम फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पर, और जो स्टाफ है वो अलाउ करेगा नहीं वहाँ जाने के लिए, ऊपर से रात का टाइम है। तो वो जो वीडियो है ना जो हमने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, वो हम आपको दिखा देते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हो तो उनको पता लग जाएगा भाई कि कैसा है इस ट्रेन का नाइट मेल का फर्स्ट क्लास। और वो जो फर्स्ट क्लास है ना, वो स्लीपर फर्स्ट क्लास है, वहाँ पर सोने की व्यवस्था है, बिल्कुल अपना जो फर्स्ट एसी होता है वैसे ही इनका फर्स्ट क्लास है, बट नॉन एसी। चलो हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। भाई ये लुक है फर्स्ट एसी का इस ट्रेन का, और ये देखो पूरा नॉन एसी है, अपने एसी होता है जैसे फर्स्ट एसी, यहाँ पर ये नॉन एसी है, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट एसी नहीं फर्स्ट क्लास है। और ये देखो यहाँ पर दो सीट्स हैं, ये कूप है, यहाँ पर सिर्फ दो ही लोगों का है, चार लोगों वाला सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ दो लोगों का है। ऊपर फैन लगा हुआ है, और ये विंडो है, आप ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर लेटर्स भी है। तो ये है भाई श्रीलंका रेलवे का फर्स्ट क्लास। ट्रेन चल रही है, बढ़िया रूट है, टनल्स वगैरह आ रही हैं, उसी के साथ में ये देखो यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी रखा हुआ है, म्यूजिक वगैरह का सिस्टम चालू है। अभी गाने बंद करवा दिए हैं, क्योंकि फिर वो कॉपीराइट का इशू होता। बाकी देखो रंग बिरंगा यहाँ पर स्पीकर है, और बढ़िया साउंड, इधर मजा कर रहे हैं लोग, बढ़िया जर्नी कर रहे हैं, हवा खा रहे हैं और गाने सुन रहे हैं। ये अपना सेकेंड क्लास का कोच, और ये है इसका वॉशरूम, यहाँ पर ये देखो छोटा सा वॉशरूम दिया जाता है, और यहाँ पर ये मिरर वगैरह आपको मिलता है वॉशरूम में, साथ में एक वॉश बेसिन है, और इस साइड फ्रेश अप होने का व्यवस्था। तो अभी किसी रेलवे स्टेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, छोटा सा स्टेशन था लेकिन सजा हुआ काफ़ी बढ़िया था। ये देखो क्योंकि तो फेस्टिवल है तो सभी जगह आपको सजावट देखने को मिलेगी यहाँ। भाई अभी फिर से हम लोग एक छोटे से रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं, और यहाँ भी बढ़िया सजावट हुई है देखो। तो अभी ये पहुंच चुके हैं हम लोग कादूगनवा रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन पे वैसे अपनी ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पर जो बेंगल लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में अटैच किया गया था ना अभी पिछले स्टॉप पे, वो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ टाइम तक अपनी ट्रेन बिना बेंगल लोकोमोटिव के ही आगे चलने वाली है। तो ये लो भाई बस जो यहाँ पर बेंगल लोकोमोटिव लगा हुआ था ना, वो इसी रेलवे स्टेशन पर डिटैच किया जा रहा है, यहाँ पर डिटैच का काम चल रहा है। ये था अपना लोकोमोटिव, अभी अलग कर दिया जाएगा। ये लो अलग हो गया यहाँ से लोकोमोटिव, अब बेंगल लोकोमोटिव यहीं रह जाएगा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सेमाफोर सिग्नल देखो रात में कैसे चमक रहा है रेड कलर का, क्योंकि इस रूट पे सेमाफोर सिग्नल्स का ही इस्तेमाल होता है ट्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए। अब बात करते हैं भाई प्राइस का कि कितना हमने पे किया है भाई इस ट्रेन में ट्रैवल करने का इस ओवरनाइट मेल में। तो वैसे हमने जो टिकट लिया था ना कोलंबो रेलवे स्टेशन से, वो लिया है सेकंड क्लास में कोलंबो रेलवे स्टेशन से पेरादेनिया तक का, ठीक है, पेरादेनिया जंक्शन तक का, जो कि हमको पड़ा है 500 लंकन रुपीज़ का, इंडियन करेंसी की बात करें तो 127 रुपये का। लेकिन अब गड़बड़ यह है ना कि भाई हमको ट्रैवल करना है इसके और एक आगे तक जो रेलवे स्टेशन गंपोला रेलवे स्टेशन, वहाँ तक ट्रैवल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पेरादेनिया रेलवे स्टेशन आने वाला है, वहाँ पर उतरेंगे, जाएंगे फटाक से टिकट लेके आएंगे दूसरा पेरादेनिया से अपना गंपोला तक का, ठीक है। ऐसा हम पहली बार करने वाले हैं भाई कि ट्रेन अपनी खड़ी है और जाके हम आगे का टिकट लेके आएंगे। और मेन बात ये है ना कि हमको मतलब आइडिया नहीं हो रहा था कि कहाँ तक हमको इस ट्रेन में ट्रैवल करना है, लेकिन हमको जाना है गंपोला तक आगे तक, ठीक है। इस चक्कर में ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, और वैसे इससे पहले हमने बताया था आपको कि इस ट्रेन में हम ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं, बट वो वीडियो डिलीट हो गया था। तो उस टाइम जब हमने फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया था ना, तब हमने एंड टू एंड जर्नी की थी,
कोलंबो से लेके अपना बादुल्ला था, बट भाई क्या करें वो वीडियो डिलीट हो गया, अब दोबारा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है हमको कि हम पूरा जो है ट्रैवल करके दिखाएं आपको इस ट्रेन में। बाकी सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी दिखा दी हैं, जो भी रह गया है वो और हम बता देंगे, ठीक है। कोशिश की है हमने दोबारा से आपको सारी चीज़ें दिखाने का, बट अगर पूरी जर्नी करेंगे ना तो फिर हमको दो दिन का हमारा शेड्यूल बिगड़ेगा। अभी एक दिन का शेड्यूल ऑलरेडी बिगड़ चुका है, इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, दो दिन का नहीं कर सकते क्योंकि उसके चक्कर में फिर हमारी फ़्लाइट भी छूट सकती है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इस चक्कर में ये आधे दूरी जर्नी कर रहे हैं, बट आपको दिखाया हमने सब कुछ है जो भी इस नाइट मेल के बारे में। चलो अभी आने वाला है वो रेलवे स्टेशन, करते हैं उसको कवर, आपको दिखाते हैं। तो ये पहुंच चुके हैं अभी अपन लोग पेरादेनिया जंक्शन, यहाँ पर अपनी ट्रेन का लगभग 10 से 14 मिनट का स्टॉप है और स्टेशन तो हम देख रहे हैं यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है, सजावट है। और यहाँ पर एक पैसेंजर है, ये हमको गाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको टिकट लेना है ना एक और एक्स्ट्रा, जो हमने आपको बताया था यहाँ से पेरादेनिया से अपन को कहाँ तक का लेना है टिकट, ये गंपोला रेलवे स्टेशन तक का, उधर से। ओके थैंक यू भाई, ये देखो वो यस यस कमिंग, ये देखो और कोई ट्रेन खड़ी हुई आ रही है बादुल्ला से, एंड हियर इज टिकट काउंटर, नो वन इज हियर, गंपोला एक्सक्यूज मी वन गंपोला प्लीज। टिकट ले लिया अपन लोगों ने यहाँ से पेरादेनिया से गंपोला के लिए, ये देखो ये लिखा हुआ है गंपोला, ये खड़ी हुई अपनी ट्रेन। और ये रेलवे स्टेशन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और यहाँ पर लिखा डिस्पोज ऑफ योर गारबेज रिस्पॉन्सिबली, एंड ये देखो यहाँ पर अलग अलग कलर, चार कलर के जो हैं यहाँ पर डस्टबिन भी रखे गए हैं, तो सही है यार। और वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है जो कि अभी बादुल्ला से आ रही है और जा रही है कोलंबो फोर्ट की तरफ। तो ये लो भाई ग्रीन सिग्नल दिखा दिया गया है अपन लोगों को, अब हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं पेरादेनिया रेलवे स्टेशन से। और ये देखो भाई रात के टाइम अपनी ट्रेन में अभी ये जो है चाय वगैरह भी मिल रही है, तो इस ट्रेन में ओवरनाइट ट्रेन में चाय वगैरह के भी वेंडर्स वगैरह कुछ हैं, वो चाय बेच रहे हैं। वही पेरादेनिया रेलवे स्टेशन से हम लोगों की ट्रेन निकल चुकी है, और बाकी यहाँ पर एक भैया है अपने साथ। हेलो हेलो, सो व्हाट्स योर नेम? जगन। जगन, ओके, सो यू विजिटेड इंडिया या बिफोर? फोर इयर्स। ओके, सो ये इंडिया आए हुए, इंडिया ट्रैवल किया हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी बढ़िया पर्सन लगे हमको, काफ़ी अच्छे आदमी लगे। क्या हुआ कि अभी हमको टिकट लेना था ना, तो काफ़ी हेल्प करी, ही हेल्प मी इन बाइंग द टिकट, राइट। और यहाँ तक कि मतलब अपने पास से पैसे दे रहे थे टिकट के लिए, हमने ना ना हमने ठीक है थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस, लेकिन पैसे हम देंगे, सो ही इज़ वेरी काइंड ऑल्सो, सो नाइस टू मीट यू, यस इज वेरी काइंड एंड गुड पर्सन। वैसे एक चीज़ है श्रीलंका में, ये चीज़ तो देखा है, लोग वाग यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं और काफ़ी काइंडनेस है मतलब लोगों में यहाँ पर, तो ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा कि दे आर सपोर्ट द टूरिस्ट, ओके राइट, यू सपोर्ट द टूरिस्ट विच वी आर कमिंग इन श्रीलंका, तो मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं भाई जो भी टूरिस्ट होता है उन लोगों के साथ, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। जो लोग भी मतलब आप इस कह सकते हो कि श्रीलंका इज़ अ टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री, राइट, यस ऑफ कोर्स, नो डाउट। फाइनली ये पहुंच चुके हैं हम लोग गंपोला रेलवे स्टेशन, ओके थैंक यू सर। और पीछे की साइड हम आपको पहले एक चीज़ दिखाते हैं, अभी जो है ना गंपोला रेलवे स्टेशन तक हम इसलिए आए हैं क्योंकि हाय हाय नहीं बाय दिस टाइम फॉर बाय, यस बाय ब्रो, बाय ऑफ कोर्स, सी यू सून। तो भाई ये जो लोकोमोटिव जा रहा है ना अभी, ये देखो एक छोटा सा लोकोमोटिव जा रहा है, ये अभी अपनी ट्रेन में यहाँ पर कपल किया जाएगा, तो इस वजह से हम आए हैं गंपोला पे, ताकि आपको यहाँ की भी हम बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग दिखा पाएं। ये अपनी ट्रेन, ये एंड आ गया इसका, ठीक है, और ये रहा वो लोकोमोटिव जो कि अभी अपना गंपोला रेलवे स्टेशन पे एज अ बैंकर लोकोमोटिव यहाँ पर कपल होने वाला है। तो ये आ गया अपना लोकोमोटिव उस साइड से, अब जाके होगी कपलिंग। वैसे अब आपको बता देते हैं ये कौन सा लोकोमोटिव है, तो ये है क्लास M6 लोकोमोटिव, वो था M5, ये है M6 लोकोमोटिव। तो ये आ गए गार्ड साहब कपलिंग देखने के लिए, और वहाँ पर ट्रैकमैन। नाइस टू मीट अंबलुआ, अंबलुआ ट्रैवल। ओके ओके, यस यस, अंबलुआ ट्रैवल। ओके ऑफ कोर्स, एनी डिसीजन वी कॉल मी सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच।
ये लो भाई हो गई अपने ट्रेन की कपलिंग डन। और भाई ये देखो अभी हमने देखा यहाँ से जो है ना चिंगारियाँ निकल रही है लोकोमोटिव में से, ये देखो ओफो भाई तगड़ा सीन है यार, चिंगारियाँ निकल रही हैं। टाटा बाय बाय बादुला नाइटमेल। ये लो भाई आखिरी में एक जरा सी डिम सी लाइट जल रही है, बस ऐसी कोई रेड लाइट नहीं जल रही है, और यहाँ से अपनी ट्रेन निकल गई है अपने आगे के सफ़र के लिए ये ट्रेन। और वैसे आपको बता दें जो बैंगलोर लोकोमोटिव लगाया गया है ना, ये पाटीपोला रेलवे स्टेशन तक लगा हुआ है, वहाँ पर इसको भी डिटैच कर दिया जाएगा, फिर अपनी ट्रेन जाएगी बादुल्ला जो कि सुबह पहुँचेगी 7:30 बजे। तो अभी रात का बज रहा है 12:30 और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर गंपोला रेलवे स्टेशन पर, जैसे कि हमने आपको पहले बताया क्योंकि अपनी ट्रेन भी यहाँ से अब जा चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे यहाँ से एक और टिकट अपना, वही जनरल टिकट ही समझो क्योंकि रिजर्वेशन का तो कहाँ ही मिलना है, ठीक है। तो जनरल टिकट लेंगे और इस ट्रेन से जो अभी आ रही है एक बादुला से कोलंबो के लिए जो नाइट मेल आ रही है उसमें बैठेंगे कहाँ, अब सीट भी नहीं मिलनी है समझ लो। तो खड़े होकर अब हम जर्नी करेंगे अपनी नेक्स्ट स्टॉप की तरफ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ से हम आपको एक और नया कॉन्टेंट दिखाने वाले हैं श्रीलंकन रेलवेज का। तो अब वो क्या होने वाला है उसके लिए तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो तक, और अगर वेट नहीं करना है तो थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे अपडेट्स वगैरह हम देते रहते हैं स्टोरीज वगैरह में और रील्स वगैरह में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर यूज़र नेम आ रहा है HYVlogs, तो वहीं फॉलो कर लो। बाकी ये नाइट जर्नी नाइट मेल की आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लेकिन एक चीज़ है कि भाई हम ये चीज़ ज़रूर कहेंगे कि जो पहले हमने पहली बार ही में जो वीडियो बनाया था ना वो इससे भी और ज़्यादा अच्छा बना था। अब आपको अगर ये अच्छा लगा है तो वो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वही बात है ना पहली बार में जो चीज़ हो जाती है दोबारा करने की कोशिश करो तो वो चीज़ मुझे नहीं आती, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वाला एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था, फर्स्ट टाइम वाली सारी चीज़ें थी, तो यार वो बहुत ही अमेजिंग था। बट अभी फ़िलहाल चलो ठीक है, हमने कोशिश की है आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखाने की, बताने की नाइट जर्नी कैसी होती है श्रीलंकन रेलवे की, वो दिखाने की कैसी लगी है आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं भाई, दोबारा शूट किया है हमने, नहीं यार हमने हार नहीं मानेंगे, चली गई वीडियो दोबारा बनाएंगे, दोबारा एडिट करेंगे, दोबारा आपको दिखाएंगे ये कॉन्टेंट। चलो कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट कंटेंट आए आपका तो मिस नहीं हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।